जहां पर पहला ओवर करेंगे गेंदबाज गौरव पाटिल। हाँ डीजे क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे नक्की एखाद साई बाबा का गाना सुधा लाओ। तो पलसदरी की तरफ से अमोल और विनय यहां पे आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। पहला सत्र है ये इस मैच का। शिरडी वहीं जाते हैं जिन्हें साई बुलाते हैं, साई भक्त संकेत जी तावड़े और रोहन थरकुड़े इस मैच का मजा लेते हुए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीरा जोगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो लगातार हर बाउंड्री और हर छे के लिए दादू दरेकर इनकी तरफ से 100 का इनाम आ चुका है। गेंदबाज खानाओ की तरफ से गौरव पाटिल, स्ट्राइकर इन पे अमोल दरेगर। पहली गेंद बैकफुट पे जाके लेदर शॉट हमें नजर आया अमोल दरेगर के बल्ले से, लेकिन सिंगल ही मिला और इस सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ टीम पलसदरी का। अमोल दरेगर कालापुर कर्जा जब भी मैच होता है तो उस मैच में हमें ये नजर आते हैं। अमोल दरेगर एक रन जरूर मिला और इसे एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 2 रन। शुरुआती 2 गेंदें हुई है इस सत्र की। शिवम सिंह कहाँ है ना, अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। चाय की चुस्की आया है उनकी तरफ से आज। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, बल्लेबाज अमोल दरेकर के पारिकांत ठोक डीजे। उम्मीद का दिया बच्ची के घर में दिवाली मनाने के लिए तेल नहीं था, पानी से जिन्होंने दिए जलाए वो हमारे साईं बाबा उम्मीद का दिया। लेकिन अब उम्मीद का दिया बनना होगा। एनआट नंबर 3 की पोजीशन पर आए हुए बल्लेबाज साईराज सुरवे को पलसदरी की तरफ से विनोद, यकीन मानिए इनको उम्मीद का दिया बनना होगा। मोहन ने भी काफी अच्छी कॉमेंट्री की मैच टू मैच, बोले मजा आया उनकी कमेंट्री सुनते हुए। और मोरे साहब एक्टर गीतकार संगीतकार शायर नाटककार, लेकिन पिछली 2 रातों से मैं देख रहा हूं श्रीनिवास मोरे रातों का कातिल नजर नहीं आया। सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 3 रन। ये बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज गौरव पाटिल की खानाओं की तरफ से। खोंडा एक्सप्रेस की गेंदबाजी आकर्षण का केंद्र बिंदु होगी। काफी सीनियर खिलाड़ी है खोंडा एक्सप्रेस बच्चिंद्र पाटिल, पिछले 18-19 साल से मैं उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूं। टीम का टोटल आ चुका है
चार रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। तो ₹1000 का इनाम आ चुका है मोहन तरकुड़ी के लिए, संकेत तावड़े और रोहन तरकुड़े। लेकिन ये इनाम अकेले मोहन को नहीं है, ये हमारे मोरे साहब जो है ना उनको भी 500 दिए जाएंगे उनमें से, क्योंकि उन्होंने भी काफी अच्छी कमेंट्री की है। जयेश मोरे को भी 500 मिलेंगे क्योंकि उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अच्छा काम हमेशा आपकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं होती दोस्तों। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। हाँ ये बात तो सही है। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर गेंदबाज मच्छिंद्र पाटिल खोंडा एक्सप्रेस। नक्कीच प्रवीण सर, आता मात्र चहा आली पाहिजे। सुंदर आपणास विनंती, जर आपण ऐकत असाल तर चहा मात्र इथे येणं गरजेचं आहे। हाँ जरूरी है क्योंकि ठंड का माहौल इतना है, थोड़ा वातावरण में गर्मी लाना जरूरी है। ये बहुत ही बढ़िया खेला, लेकिन गेंद हवा में खोंडा एक्सप्रेस को मिलती हुई है पहली सफलता। आउट होने वाले खिलाड़ी सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच दे बैठे विनय। युवा कार्यकर्ते त्यांना विनंती असणार आहे की आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं। हां लेकिन हमेशा मैं देखता हूँ अल्पेश थरकोड़े की टूर्नामेंट में यश जाधव खोपोली राष्ट्रवादी का एक और युवा चेहरा नजर आते हैं। पिछले 2 दिनों से यश जाधव भी 2 रातों से नजर नहीं आ रहे, शायद कल रात वो इस टूर्नामेंट के लिए जरूर आएंगे। समीर जी मसूरकर भी नजर आ सकते हैं, कल ढेर सारे मेहमान कल की रात में यहाँ पर नजर आ सकते हैं। जो अल्पेश के ऊपर प्यार है उसे दर्शाने के लिए कल की रात काफी अहम होगी। स्पीड अप। नक्कीच प्रवीण सर, आपण नेहमीच म्हणतो ना शेवटची रात्र ही महत्त्वाची असते। हाँ आखिरी रात तो परसों है, लेकिन कल यहाँ पे ढेर सारे मेहमान आ सकते हैं। योगेश थरकुड़े अकाउंटेंट, देखिए बाल पक गए उनके अकाउंट संभालते संभालते, मेरी तरह मेरे भी पके हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर खोंडा एक्सप्रेस राइट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, 3-3 खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, नंबर मिला 2, कॉलिंग नहीं थी, आपसी तालमेल नहीं था और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई पड़स दरी 7 रन। नयन दरेकर काफी अच्छे बल्लेबाज है इस टीम पड़स दरी के लिए, नजर नहीं आ रहे ऐसा नहीं है। अक्षय दरेकर भी पड़स दरी के ना लेदर प्लेयर। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना और ये बहुत ही बढ़िया कैच लिया गया। खानाव टीम इस साल काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है, खोंडा एक्सप्रेस काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही है इस साल। एक ही बार उन्होंने 18 दिए थे निर्णायक मोड़ पे, टोटल आ चुका है
सात रन। खानाओं की तरफ से पड़स दरी के आने वाले बल्लेबाज को अब इस पारी को संभालना होगा। स्ट्राइकर एंड पे नए बल्लेबाज मनोज दरेकर, इनको अब एक की फैक्टर बनना होगा, चाबी बनना होगा इस मुकाबले की, जो मुकाबला अटका हुआ है उस ताले को खोलने के लिए। टीम पड़स दरी के लिए इन्हें उस ताले की चाबी बनना होगा। मिडल ऑर्डर के खिलाड़ी है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला। काफ़ी अच्छी फील्डिंग हो रही है खानाओं की, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, साथ साथ फील्डर का साथ भी मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास, जैसे हम कहते हैं उसी तरह गेम ऑफ यूनिटी, क्रिकेट को जिस तरह से हम कहते हैं उस यूनिटी के तहत काफ़ी अच्छी फील्डिंग हो रही है। रोहन तरकुड़े और संकेत तावड़े मैच का मज़ा ले रहे हैं, और चचा भतीजा की ये जोड़ी। गेंद हवा में है, दो रन जरूर मिलेंगे और इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 10 रन। इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष। खोंडा एक्सप्रेस अच्छिंद्र पाटिल अरे भाई अभी बहुत मैचेस हैं। कवर्स में खेला, एक रन जरूर मिला और इस एक रन से देखिए मंगेश पाटिल साहब ने इनके लिए ऐसा ग्राउंड तैयार किया ना कि आप हर दिन नाइट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्लड लाइट्स परमानेंट फ्लड लाइट्स खालापुर में एक ही मैदान पे होगा शायद किसी गांव के, वो खाना में। घोड़ेवली भी बनाम खरेवली अगला मैच होगा, दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा जैसे ही यहाँ पे चौथा ओवर शुरू होगा आपको बुलाया जाएगा, और जैसे ही चौथा ओवर ख़त्म होगा आपको टॉस के लिए आना है। नए गेंदबाज सूरज वाघमारे स्ट्राइकर एंड पर अगर हम देखें ना तो पड़सदरी के लिए काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, साईराज क्षमता इनमें इन रनों को बनाने की, 50-55 तक ले जाने की ताकत। मुस्लिम भाई बेकरी वाला यहाँ पर आ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता शिवभाड़ा, जरूर मुस्लिम भाई बेकरी वाला का हम स्वागत करेंगे फिर से एक बार दोबारा। राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय सुधाकर घारे फाउंडेशन। कवर्स में खेला, काफ़ी तेज़ गेंद जा रही है लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, ऐसा मैं बोलने वाला था लेकिन गेंद ने रास्ता ना पा, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, चार रन। डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पे 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अल्पेश तरकुड़े हमारे नेता कहाँ गए, युवा नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे चिंचिवली के एक और युवा नेता यश जाधव, इनका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ क्योंकि स्वभाव में काफ़ी अच्छे, सबसे मेलजोल रखने वाला ये युवा कार्यकर्ता। बढ़िया यॉर्कर,
क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ काबिल। बिल्कुल जड़ में डाली थी बाएं हाथ के गेंदबाज सूरज ने। सूरज शुभाग मारे, शेर का शिकार करने निकले हैं और यह बाउंड्री मारने के बाद क्या हुआ, डॉट 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 गेंदे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गेंदों पे सिंगल तो आना ज़रूरी है, डबल से आना ज़रूरी है। ये विक्रांत पाटिल जैसा हुआ, एक छक्का आने के बाद उसके बाद पांच गेंदे लवजी सो गई। ये सिंगल आता हुआ और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 16 रन। कल ओपन कर सकता है वो, कल लवजी की तरफ से विक्रांत पाटिल को हम ओपन करते हुए देख सकते हैं और कल कल्पेश ने किया, कल उनका तूफान भी हम देख सकते हैं। अनिकेत आमले और विक्रांत को ढेर सारा इनाम है, रोहन तरकुड़े और संकेत तावड़े इनकी तरफ से। कल की रात में 15,000 लगाए थे, वो जो इमोशंस थे ना रोहन तरकुड़े के, वो 15,000 से भी ज़्यादा बहुमोल थे, बहुमूल्य थे। मैंने पहली बार रोहन थरकुड़े को इतना इमोशनल होते हुए देखा था किसी मैच के दौरान। नक्की एक शांत आणि मनमोळा व्यक्तिमत्व रोहन म्हणून ओळखला जातो, परंतु त्यावेळेला असं मॅचची सिच्युएशन जो होती आणि त्यांना माहिती आहे की आपला लवजी संघ जिंकलाच पाहिजे होता कुठल्याही परिस्थितीत, परंतु त्यावेळेला नक्कीच लवजी संघाला पराभूतचा सामना करावा लागला। निश्चित तौर पर पंद्रह हजार का इनाम लगाना कोई कच्चे गुरु का चेला नहीं लगा सकता, सबका काम नहीं है ये, और मेरे हाथ में थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला और मैंने बोल दिया। ये वाइट बॉल और इस वाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल आ चुका है 17। भावेश सावंत के ऊपर भी कल ढेर सारे इनाम आ सकते हैं। नक्की भावेश सावंत में उन्होंने क्या प्रैक्टिस की, अब कल देखने का मौका मिलेगा। चैंपियन लीग अगर होती है तो कैप्टन थे भावेश सावंत, ये देखिए 2 साल कप्तान थे। ये वाइट बॉल का इशारा हुआ, पिछले साल भी वो कप्तान थे। भावेश सावंत के ऊपर लवजी टीम ने बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया इस ऑलराउंडर। नक्की परंतु भरोसा दाखवला, परंतु तो भरोसा खरा उतरला नाही आहे, कारण की त्यानं कामगिरी तेवढी 2 वर्षात तेवढी। देखिए जब भी मैं जाता हूँ ना खालापुर, हाफ की टीम खेल रही हो तो मैं हमेशा भावेश सावंत का जिक्र करता हूँ। ऐसा नहीं है कि लवजी के अल्पेश हमारे दोस्त है, इसलिए इनमें पोटेंशियल है, लेकिन वो कभी नजर ही नहीं आता। ये 4 रन मिलेंगे और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ पड़ेसरी टीम का 22 रन। ओवर नंबर चल रहा है 4th। यहाँ पर टोटल आ चुका है 22, इस ओवर की अभी भी गेंदें बची है 5। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, क्या फील्डिंग की है तारीफ काबिल, 3 रन बचाए इन्होंने तुषार पाटिल ने। एक और हमारे दोस्त थे ओंकार पाटिल इस खाना हाउस, एमपीएससी करने का सपना है उनका, यूपीएससी एमपीएससी। निखिल थरकुड़े भी एमपीएससी यूपीएससी करना चाहते हैं। चलो उनका सपना है और
और ये सपना उनका जल्द पूरा हो, इस उम्मीद के साथ हम इस टूर्नामेंट में आगे जाएंगे। हाँ, एक एक मार्क से गए थे ऐसा नहीं है, अगली बार एक एक मार्क से गए ना, 40 ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे वो। विनोद एक अंपायर मिले थे बहुत साल पहले मुझे खानव की टूर्नामेंट में, उन्होंने कहा था कि मैं एक दो रन मिले यहाँ पे और इन दो रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 25। देखिए जब उन्होंने पूछा, अंपायर पोलार्ड के अंपायर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने हाल ही में एग्ज़ाम दी है, क्या हाल होगा मेरा, तो मैंने उनसे कहा भाई इस साल आप आशाएँ छोड़ दो, इस साल आपका रिजल्ट शायद गलत निकल सकता है, लेकिन जब ये दोबारा एग्ज़ाम होगी आप मेरिट में आओगे। तो 10 साल बाद दोबारा एग्ज़ाम हुई, वो मेरिट में आए और उन्होंने मेरा नंबर ढूंढा और मुझे फ़ोन किया, जो आपने 10 साल पहले जो बात कही थी वो 10 साल बाद साबित हो गई। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा मिलता हुआ, गलत फील्डिंग हो रही है टीम खानाव की, इतनी देर से अच्छी फील्डिंग हो रही थी लेकिन पहले को दूसरे में कन्वर्ट करने का मौका दिया बल्लेबाजों को, स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज थे मनोज दरेकर, सब कुछ दरेकर, पलसदरी में अगर देखा जाए तो दरेकर ये जो सरनेम है वो काफी तादाद में नजर आ रहा है इस टीम में। नक्की पलसदरी श्री स्वामी समारंथ मठ सुद्धा है ते ओळखले जातं दरेकर यांना। निश्चित तौर पर भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, ये रेस लगी थी कीपर और बल्लेबाज के बीच, व्हाइट बॉल करन तो जरूर है, अगर ये रन भी पूरा होता है तो 1+1 दो रनों का इजाफा और इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 29। अगला मैच खरीवली बनाम घोड़ीवली भी, दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना है। मुस्लिम भाई बेकरी वाला दादू दरेकर हमसे पूछ रहे हैं कि बाउंड्रीज कितनी हुई है, 6 कितने आए हैं, उतना ज़्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं आए। और ये देखिए आखिरी क्षणों में जो वाइट बॉल आया था उसका फायदा मिला, नंबर यहाँ पे 4 या 6 क्योंकि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, और ये 6 रन और इन 6 रनों के साथ जो लगाया छक्का बल्लेबाज सुजल सुरवे ने, उस छक्के के बदौलत टीम का टोटल आ चुका है 35। इस ओवर की आखिरी गेंद, चलिए गेंद दीजिए, 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं संकेत तावड़े और रोहन थरकुड़े, शिवम सिंह, देखिए शिवम सिंह ने पिछले कई सालों से वादा किया है हमसे, जब वो चड्डी पहनते थे और मैं पैंट पहनता था, एक रन जरूर पूरा किया, दूसरा चुराने की कोशिश और अंपायर की उंगली उठी, टोटल आ चुका है 36 जीत के लिए खानाव टीम को, 37 रनों की जरूरत, लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे विनोद सोलंकी, दूसरा सत्य जैसे शुरू होगा, लेकिन इससे पहले खरीवली बनाम घोड़ीवली भी, दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना है। डीजे ठक
घोडेली बी संघाचा कर्णधार आपल्यास विनंती आहे की आपण त्वरित यायचं आहे. अवघ्या 2 मिनिटात जर उपस्थित राहिले नाही आहेत तर कदाचित एक षटक कमी करण्यात येईल याची नोंद घ्यायची आहे. चला फलंदाज मात्र जायचं मैदानावरती. बी चला खाना संघाचा कर्णधार डीजे थोडा आवाज द्यायचा. हॅलो 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 24 चेंडूमध्ये 37 धावांची गरज आहे. नक्की जर पाहायला गेलं तर खाना संघाची मात्र सलामी जोडी कोण जाते मैदानात हे पाहणंसुद्धा गरजेचं आहे. आमचे सर्व स्वयंसेवक असतील त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करूया. खरोखरच कालच्या रात्रीमध्ये पाहिलं आजच्या रात्रीमध्ये पाहिलं चांगलं काम करतायत. तसेच आमचे संकेतजी तावडेसाहेब असतील, रोहनजी तरगुडेसाहेब असतील, सोम सिंग आणि मी संकेत तावडेसाहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचं कौल अर्थात टॉस का बॉस आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचं कौल करावं. मी तावडे कंस्ट्रक्शनचे ओनर सन्माननीय संकेतजी तावडेसाहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचं कौल करायचं आहे. सलामीची जोडी मात्र मैदानावरती जाताना दिसते. दोन्ही फलंदाज गौरव पाटील आणि राकेश मोरे मुंडे. गौरव पाटील राकेश मुंडे दोन्ही सलामीची जोडी मात्र मैदानात जाताना दिसते. तर नक्कीच गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज आपण पाहतोय. अमोल दरेकर सलामीला आलेला फलंदाज होता परंतु आता मात्र पहिलं षटक त्याच्या बदलत आलं आहे. फलंदाजामध्ये नक्कीच काही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकलं नाही परंतु गोलंदाजीमध्ये कसे काम करतो हे पाहणंसुद्धा गरजेचं आहे. इथे मात्र नाणेफेकीचं कौल होतं आहे. नाणेफेकीचं कौल जिंकलं ते घोडोली बी संघाने आणि आपला जो निर्णय असेल तो त्वरित कळवायचा आहे. आमचे कुणाल पिंगळे नक्कीच आपला निर्णय काय असेल तो त्वरित कळवायचा. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची आहे. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज अमोल तर स्ट्राईकला असणारा फलंदाज गौरव पाटील नॉन स्ट्राईकला मुंडे राकेश मुंडे 24 चेंडूमध्ये 37 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्गवरती अमोल मुळगाव यांकडनं गोलंदाजी करतोय. तर स्ट्राईकला खरोखरच जर पाहायला गेलं तर राकेश गौरव चला सामन्यात लवकरात लवकर चालू करायचं आहे. टायमिंग लावलं आहे का नंतर पंचाने जर दंडित केलं तर सांगायचं नाहीये. चोवीस चेंडूमध्ये 37 धावांची गरज. अमोल दरेकर गोलंदाजी मार्गवरती आहे. तर स्ट्राईकला फलंदाज आहे राकेश गौरव पाटील. इथे मात्र पहिला चेंडू नक्कीच पंचांचा इशारा येतो. हा स्वैर चेंडू आहे. श्री गणेश होतो 1 या धावसंख्येने. तर अर्थातच धावसंख्या फळकारता लागते. 1 येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 36 धावांची. 24 चेंडूमध्ये 36 धाबा 37 धावांची गरज होती. पहिला चेंडू बॉन्स वाईट टाकतोय. इथे मात्र चांगला फटका. इथे मात्र स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय. 1 बाउन्स सीमा रेषेच्या पलीकडे आलेला देगडा फटका. 4 धावांसाठी धावसंख्या 4 ने वाढत बसतोय 5 घरात. रुपयाचा भारताची गाला परंतु इथे मात्र चांगला फटका. पुन्हा एकदा लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक मात्र तैनात आहे. धावसंख्या 1 ने वाढते ती बसते 6 या आकड्यावरती. अर्थातच येणाऱ्या 22 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 31 धावांची. 22 चेंडू 31 धावा. फलंदाजी मार्गवरती आता मात्र फलंदाज मुंडे राकेश मुंडे.
अमोल दरेकर गोलंदाजी मार्ग वरती गोलंदाज अमोल स्ट्राइकला फलंदाज आता मात्र राकेश मुंडे बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करते स्टांट्स बघा शिवनारायण चंद्र बॉल ज्या प्रकारे नक्कीच फलंदाजी करत आहे इथे मात्र चांगला फटका स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू जातो आहे आणि इथे मात्र देखणा फटका चेंडू जातो सीमारेषेच्या पलीकडे आलेला खणखणीत दणदणीत पंचांचा इशारा येतोय 6 धावांसाठी डीजे आणि नक्कीच त्याचा स्टँड आपण पाहतो स्टँड खरोखरच चांगला पाहतोय शिवनारायण चंद्रपाल जशा प्रकारे बॅट धरतोय ते बघा त्याचा फ्लो बघा नक्कीच आपल्याला तशा प्रकारे वाटतंय चांगली फलंदाजी पहिल्या चेंडूवरती केली आहे दुसऱ्या चेंडूवरती सुद्धा चांगला फटका येतोय सीमारेषेच्या पलीकडे हात आहे दुसरा षटकार आयवा कॅच मध्ये काहीच नाही भेटणार परंतु चांगला झेल पकडलाय धावसंख्या 6 ने वाढते ती पोहोचते 18 या आकड्यावरती येणाऱ्या 20 चेंडू मध्ये गरज असणार आहे ती 19 धावांची 20 चेंडू 19 धावा नक्कीच चांगला इथे फटका मारतोय तो फलंदाज राकेश मुंडे खरोखरच चांगली फलंदाजी करतोय आणि आपले इरादे मात्र स्पष्ट करतोय त्याला माहिती आहे की इथे मात्र चांगली फलंदाजी करणं गरजेचं आहे गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज अमोल मात्र खराब कामगिरी करतोय इथे मात्र चांगला चेंडू आता टप्पा पडल्याचं थोडासा बाहेर जाणार चेंडू फलंदाज मात्र चकतोय आशाला भूत नजरेने पाहत राहतोय डॉट चेंडूची समाप्ती होते डॉट चेंडूच्या समाप्तीनंतर संख्या तिथे स्थिर होते ती मात्र 18 पहिले षटक प्रगतीपथावर असताना येणार आहे 19 चेंडूमध्ये 19 धावांची गरज पुन्हा एकदा चांगला चेंडू डॉट चेंडूची अमोल दरेकर या हीच प्रकारे गोलंदाजी करणं गरजेचं होतं परंतु म्हणतात ना की बदाम घालण्याने जेवढं आपल्याला ज्ञान येत नाही तेवढं षटकार घालण्याने येतं इथे मात्र चांगलं नक्कीच कमबॅक करतोय तो अमोल येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 19 धावांची 18 चेंडू 19 धावा धावसंख्या फळकावायची लागते माझे साथी स्कोरर मला मोरे सांगतायत की 18 धावा फळकावायची लागतात चांगलं काम आपण पाहतोय मोरे प्रवीण सर दोन रात्रीपासून की स्कोरर मात्र चांगले आपल्याला लाभलेत आणि नक्कीच स्कोरिंगचं काम चांगलं बघतात अजूनही 18 चेंडूमध्ये 19 धावांची गरज आमचा छाय मात्र इथं आलाय त्या आमचे काकांचं सुद्धा आपण मनापासून स्वागत करूया कारण की सर्वात महत्त्वाचं काही आहे तर आता आपल्याला चाय आणि तो चहा मात्र इथे आलाय त्यांचं सुद्धा आपण मनापासून स्वागत करूया सोम सिंग मी सन्माननीय स्वप्नीलजी कदम साहेब इथे उपस्थित झालेत ग्रुप ग्रामपंचायत वावरलीचे जे सदस्य आहेत त्यांचं इथं मनापासून आपण स्वागत करूया त्यांना विनंती करूया की आमच्या अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे शुभमजी शिर्के साहेब जे खऱ्या अर्थानं एक तरुणांचा तारणहार आणि नक्कीच त्यांचं इथे मात्र आगमन होतं आहे त्यांचंसुद्धा आपण मनापासून स्वागत करूया आणि नक्कीच इथे मात्र आता येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 19 धावांची गोलंदाजी मार्गावरती तो गोलंदाज श्रेयस चांगला फटका इथे मात्र कृष्णा सातपुते सारखा फटका मारलाय झोपला पडला आणि इथे मात्र चौकार जातोय धावसंख्या 4 ने वाढते ती पोहोचते धावांची आमच्या खऱ्या अर्थानं मित्र शुभम शिर्के याने मात्र आज सहकार नगरच्या संघाला मात्र खुश केलंय 15 जर्सी ते मात्र सामना जिंकल्यानंतर नक्कीच त्याने अलाउन्सही केलेली आणि त्याची पूर्तता सुद्धा केली आहे लगेचच एक कॉन्ट्रॅक्टरला फोन लावला आणि 15 जर्सीचं त्याला सांगून ऑर्डर देऊन टाकली म्हणजे किती दर्या दिली आहे ते आमचे शुभम शेठ शिर्के इथे मात्र चांगला फटका मारण्यात येणार फलंदाज मात्र चकतोय डॉट चेंडूची समाप्ती होते
डॉट चेंडूच्या समाप्तीनंतर येणाऱ्या 15 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 14 धावांची. पुन्हा एकदा चांगला फटका इथे मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आहे. क्षेत्रक्षक मात्र तैनात आहे. चांगलं क्षेत्रक्षण होतं. धावसंख्या एकने भारतीय पोहोचते 24 या आकड्यावरती. येणाऱ्या 14 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 13 धावांची. 14 चेंडू 13 धावा नक्कीच पाहतोय आपण. चांगली फलंदाजी करतात सलामीला आलेले फलंदाज. सलामीचे जोडी मात्र मैदानात आहे आणि खरोखरच चांगली कामगिरी होते या मैदानावरती. सन्माननीय सुधाकर शेटघारे फाउंडेशन आयोजित राष्ट्रवादी चषक 2024 आलेल्या पुन्हा एकदा तमाम प्रेक्षकांचे आपण मनापासून स्वागत करूया वळ्या मैदानावरती. इथे मात्र रिव्हर्स स्वीचा फटका. नेहमीच म्हटलं तर रिव्हर्स ही म्हणजे दुधारी तलवार. चले तो सामने वाले की गर्दन कटे ना चले तो अपने कटने में देरी नहीं लगेगी. इथे मात्र धाव संख्या 2 ने वाढत ती पोहोचते 26 या आकड्यावरती. येणाऱ्या 13 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 11 धावांची. तेरा चेंडू 11 धावा गोलंदाजी मार्गावरती. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. चांगला फटका इथे मात्र मिस टायमिंग शॉट होतोय आणि नक्कीच चांगला एक चपल यष्टीरक्षक पाहतोय. येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये आता मात्र गरज असणार ती 11 धावसंख्येची. धावसंख्या फळकडे लागतात 26. संधी देऊया डीजे ऑपरेटरला. धन्यवाद डीजे ऑपरेटर आणि आमचे मुस्लिम भाई बेकरीवाला हे सुद्धा उपस्थित झाले आहेत. खऱ्या अर्थानं एक क्रिकेटचे दर्दी म्हणणार हरकत नाही आहे. कुठल्याही ठिकाणी क्रिकेटचा सामना असू देत ते मात्र त्या नक्कीच आपल्या कामधंद्यात एवढे व्यस्त असतात तरी ते क्रिकेटचा मात्र आस्वाद घेतात. त्या मुस्लिम भाई बेकरीवाल्याचं सुद्धा या सुधाकर घारे फाउंडेशन आयोजित राष्ट्रवादी चषकमध्ये नक्कीच मनापासून आपण स्वागत करूया. येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये गरज आहे ती 11 धावांची. गोलंदाजी मारू करते तो गोलंदाज जितेश सिद्धेश बघूया. 12 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज असताना गोलंदाजी मार करते. इथे मात्र खराब चेंडू होता त्याचा मात्र खरपूर समाचार घेणं गरजेचं होता. परंतु नक्कीच इथे मात्र एक धाव स्वैरच्या स्वरूपात भेटते. धावसंख्या एकने वाढते ती बसते 27. येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 10 धावांची. 12 चेंडू 10 धावा नक्कीच जर पाहायला गेलं तर खरोखरच मयुरेश काय कामगिरी करतोय. मयुरेश मोरे स्कोरिंगचा नक्कीच जो जिम आहे पूर्णपणे सांभाळताना दिसत आहे. चांगला फटका इथं मात्र बॅक टू द बॉलर होऊ शकला असा. परंतु नक्कीच लॉंगॉनच्या दिशेने क्षेत्रक्ष मात्र तैनात आहे. एकदा भेटत्या धावसंख्या एकने वाढते ती पोचते 28 या आकड्यावरती. येणाऱ्या 11 चेंडूमध्ये गरज असते ती 9 धावांची. 11 चेंडू 9 धावा गोलंदाजी मार्कवरती. गोलंदाज सिद्धेश याला मात्र चांगली गोलंदाजी लागेल. टिचून मारा करावा लागेल जर सामना जिंकायचा असेल तर. या षटकामध्ये एकात दोन धावा देऊन एकात दोन मोठे फलंदाज मात्र बाद करावे लागतील त्या सिद्धेश दरेकरला. स्ट्राईकला असणारा फलंदाज सिद्धेश पवार. स्ट्राईकला असणारा फलंदाज गौरव पाटील. नॉन स्ट्राईकला असणारा फलंदाज राकेश मुंडे. काय फलंदाजी करतायत. चांगला फटका इथे मात्र स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून जातो चेंडू आउट ऑफ द पार्क. पंचांचा इशारा येतोय. षटकार धावसंख्या 6 ने वाढते ती पोचते 34 या आकड्यावरती. अर्थातच येणाऱ्या 10 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 3 धावांची. संधी भेटते डीजे ऑपरेटरला. येणाऱ्या 10 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 3 धावांची. नक्कीच त्यानंतरची ज्या मॅचेस आहेत सामना आहे त्याने मात्र ज्यांचे क्षेत्रक्षण आहे त्याने मात्र तयार राहायचं आहे. लेग स्टम नक्कीच एक धाव तर निश्चित भेटेल. बघूया दुसरा घेतात का. आणि इथे मात्र नक्कीच अति घाई आणि संकटात नाही फलंदाज
गौरव पाटील याच्या फारीत होतं घातमा. धावसंख्या एकने वाढतती बसते 35 या आकड्यावरती येणाऱ्या 9 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 2 धावांची. डीजे ऑपरेटर याचं सुद्धा मनापासून कौतुक करावं लागेल. धावसंख्या फळकर लागते 35 येणाऱ्या 9 चेंडूमध्ये गरज असणार ती 2 धावांसाठी. आता मात्र फलंदाजासाठी तर फलंदाज सूरज, बघूया सूरज कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. हा सुद्धा डावरा डावकुरा फलंदाज आहे. चांगला फटका इथे मात्र पॉईंटच्या दिशेने एक धाव तर नक्कीच भेटेल. राकेश मुंडे चांगली मात्र फलंदाजी करतोय. धावसंख्या एकने वाढते ती बसतोय 36 या आकड्यावरती. येणाऱ्या 8 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 1 धावांची. 8 चेंडू 1 धावा. बघूया कशा प्रकारे खेळ करतोय तो फलंदाज सूरज. इथे मात्र नक्कीच चांगला चेंडू होता. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. येणाऱ्या 7 चेंडूमध्ये गरज आहे अजूनही 1 धावांची. चांगली गोलंदाजी करतो तो गोलंदाज सिद्धेश पवार. नक्कीच सिद्धेश पवार आता मात्र पाहायला गेलं तर पळदरी संघाचा अतिरिक्त खेळाडू तो सुद्धा इथून परतलाय. त्याला माहिती आहे की हा सामना निश्चित रूपे आपण थोडासा गमवलेल्यासारखं वाटतंय, परंतु नक्कीच पुन्हा एकदा डॉट चेंडूची समाप्ती होते. येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये गरज असणार आहे ती 1 धावाची. डीजे नाही, परंतु या स्पर्धे या सामन्यातला मॅनेजमेंटचा किताब जात आहे. ज्याने चांगली गोलंदाजी केली त्यानंतर अव्वल दर्जाची फलंदाजी केली आहे गौरव.